ठीक है, पेज नंबर 74 पर अब हम करेंगे इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, इस तरह से काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं इसकी, सही है। तो पहला सवाल, वर्क इंडिविजुअली एंड सर्किल वन ऑफ द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ये नीचे तीन आपको सवाल दिए हैं, उसमें हर सवाल के चार जवाब हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है। ठीक है, पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द टैक्स सोशल मीडिया इज अ डैश। अकॉर्डिंग टू द टैक्स, टैक्स के मुताबिक सोशल मीडिया इज अ डैश, गुड थिंग, बैड थिंग, नीदर, दोनों में से कोई चीज़ नहीं, और बहुत अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। नंबर सेकेंड, द सोशल मीडिया इज समथिंग दैट इज़ यूज्ड बाय डैश। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो डैश लोग इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, पीपल ऑफ ऑल एजेस और चिल्ड्रन, पीपल ऑफ ऑल एजेस, सी, बहुत आसान था ये। नंबर थर्ड, इन कंक्लूजन, नतीजे के तौर पर द राइटर सेज व्हाट द सोशल मीडिया शुड बी। कंक्लूजन में राइटर ने ये कहा कि उसे कैसा होना चाहिए, शुड बी इग्नोर्ड, क्या उसे इग्नोर कर देना चाहिए, यूज्ड विद केयर, केयर से इस्तेमाल करना चाहिए, गिवन अप, बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, यूज्ड एवरी डे या हर रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए, यस, यूज्ड विद केयर। तो ये हो गया जनाब आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 और ये एक्सरसाइज पेज नंबर 75 पर है, ठीक है। चलिए जनाब, अब इसमें बहुत सारे लफ्ज दिए गए हैं, ठीक है। पहला लफ्ज है रिवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशनाइज्ड पूरा लफ्ज है। और स्टुपिंडियस, पता नहीं क्या मायने इसके, मेरा ख्याल है स्टुपिडिटी से निकला है, स्टुपिड होता है जैसे। अच्छा, उसके बाद विस्टास, फैंटेसी, एक्सेसिबिलिटी, इनजुडिशियस, ट्रेडी, डिटरमेंटल, फ्रॉडुलेंट। अब इन सब के मायने नीचे जो है वो आपको 20 लफ्ज़ हैं ये, और इन 20 लफ्ज़ को जुमले के लिहाज से देख के, या हम डिक्शनरी में से भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये कि ये देखें ये कहाँ जुमले में यूज़ हुआ है और उसमें मफहूम क्या निकल रहा है, उसके लिहाज से इसके मायने हम तलाश करने की कोशिश करें। द मीनिंग ऑफ डैश इज़ हार्मफुल, डैश के मायने हार्मफुल के होते हैं। अब नीचे लफ्ज़ देखें कौन कौन से हैं, मेटेरियलाइज है, डेटेरियोरेशन है, कंसिक्वेंसेस है, डिसप्रोपोर्शनलेट है, एडिक्टिव है, ओबेसिटी है, डिवेस्टिंग है, डिवेस्टिंग का मतलब होता है हार्मफुल, मिटिगेटेड है, सेल्फ पोर्ट्रेयल है, इनकन्वीनियंस है, ओप्रोडियंट है। तो जो हार्मफुल के मायने यहाँ कौन सा लफ्ज़ है, डेविस्टेटिंग। ज़रा गौर से जाएं पीछे देखें, डेविस्टेटिंग कहाँ आया है, तबाहकुन, बहुत मुश्किल होगा ढूंढना इसे। मेरा ख्याल है सबसे पहले आप ये काम करें कि ये जितने लफ्ज़ हैं ना, इन सबको ज़रा ढूंढें ये कहाँ कहाँ हैं, उसके बाद हम आसानी से पता चला लेंगे कि इसके मायने क्या हैं, ठीक है। इसका तरीका ये है कि हमारे पास ये 20 लफ्ज़ हैं और आप बच्चे जो है वो 6, 6, 8 और 10, 8 और 10, दो दो लफ्ज़ पकड़ लें कि हम ये दो ढूंढेंगे, इस तरह से। तो आप जो है वो शुरू के दो ढूंढें, रिवोल्यूशनाइज और ये वाला कि ये कहाँ है, आप अगले ये दो ढूंढेंगे, अगले दो, तीसरा चौथा आपका, पांचवा छठा आपका, सातवां आठवां, नवां दसवां, ग्यारहवां बारहवां,
13वां 14वां 15वां 16वां बुक नहीं है, ये लें बुक। 17वां 18वां 19वां 20वां आप लोग छुट्टी करें, ऐश करें। नहीं, आप नीचे से ढूंढें जो है वो 20वां 19वां और 17वां 18वां और 15-16 ढूंढें, लफ्ज़ ढूंढ के बता दें कि यहाँ पर ये लफ्ज़ मौजूद है, फिर आते हैं ताकि हमें ये ढूंढना ना पड़े।